देखिए अलग से भी आप लोग दे सकते हैं इसको। चलिए इनका सा जो गुलाबी मीनाकारी है समझ रहे हैं। चलो हो जा रहा है एक दिन में। चलो एक दिन में कितना बनाते रहेंगे? एक तो बन जाता है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के 6 साल पूरे होने, 1 साल पूरे होने, दूसरे कार्यकाल के उपलक्ष्य में यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। उसी संबंध में सब विषय सबको बताया जा रहा है। क्या खास रहा है इस साल में, क्या खास है? आपको बुकलेट उनसे प्रेस नोट भेज भी दिया गया है और विषय को अभी विस्तार से बताया गया। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानक स्थापित किया है और वैश्विक स्तर पर आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर के चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश ने आज, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के MOU होते हैं। आज उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिस प्रदेश में अपराध शून्यता की ओर है और काशी जो माफियाओं की एक समय में राजधानी हुआ करती थी वो माफिया मुक्त है। काशी के विकास में, विकास की गंगा आदरणीय प्रधानमंत्री की पेड़ा से बह रही है। अनेक ऐसे कार्य काशी में हुए हैं जिसके कारण काशी की GST भी 35 से 40% बढ़ गई। क्या कहेंगे जो विकास हुआ एक साल के अंदर, खास में क्या है? कितनी बड़ी मानते हैं दशकों बाद ऐसा हुआ है कि कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है योगी आदित्यनाथ ने, दूसरी बार शपथ लिया आज एक साल कार्यकाल। देखिए यह आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, आदरणीय योगी जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए उस कार्य की उपलब्धि है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के समेकित प्रयास, संगठन की लगातार उसकी जीवंतता, उसके द्वारा कार्य पद्धति जो अपनाई गई भारतीय जनता पार्टी संगठन, उसके कारण दूसरी बार सरकार बनी। इसके लिए पूरे देश की, प्रदेश की जनता का हम सब आभारी। बताइए कानून व्यवस्था के लिए आप बताइए, विपक्ष क्या कहता छोड़ दीजिए, विपक्ष को तो कुछ बोलना है। आप बताइए कुछ हो तो, कानून व्यवस्था में कहीं आपको लगता हो तो बताइए। आप काशी के रहने वाले। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।